ओम शांति। मुरली का तारीख है 20/2/2021। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। या तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी समय तोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर कृष्णपुरी, विष्णुपुरी बनना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर्स तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स है और बच्चे भी बहुत है। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इसको 5,000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था, इसको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है और कोई किटपिट की बात ही नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दे। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारे। या जो इतने मतभेद हो गए हैं, इनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें। उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो या बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। या बच्चे ही जानते हैं मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। या भी बच्चे जानते हैं यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को गाया हुआ है। बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है, अज्ञान नींद में सोए हुए है। अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो, जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जग उठे हैं वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह या नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने, या बिल्कुल भूल गए हैं। अब बाप भारत में ही आते हैं। बाप
भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से तोड़े ही स्थापना होगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है, प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वहां यादव मूसल आदि बनाते हैं, परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम समझ गए हो, उनों का पार्ट है ड्रामा में या मूसल आदि बनाने का, प्रेरणा की बात नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए तो जो फास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहां एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वहां तो चित्र में लिखा हुआ है स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, या तो बड़ी गुह्य बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, या सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में जट आ जाता है। दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। बल लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। या सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का, या सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है या कोई नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते। बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे। बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ। मुझे बुलाते भी संगम पर है। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है, तो जरूर मैं आऊंगा पतित दुनिया के अंत में ना। कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं, सतयुग आदि में पावन है, या तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख होगा। सुख तो होगा ही नहीं, कुछ भी मालूम ना होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम समझ सकते हो, तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है, या भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। बच्चे समझते हैं जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेगी। बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती हैं तो उसको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो, इसीलिए टक्कर होता है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में
उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है। समझते हैं शुबाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। यहाँ भी बच्चे जानते हैं जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं, उनको कोई या तोड़े ही पता है कि या ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना या बाप का ही काम है। शास्त्रों में या बातें है नहीं या नई बात है, बाबा बार बार समझाते हैं। कहां भी पहले पहले या समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। या बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे, प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है उस पर समझा कर तुम पूछ सकते हो। अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर कौन है। कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। पहले पहले तो लिखना चाहिए, फार्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए। चिड़ियों का आवाज हुआ देखो कितना झगड़ती है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्यों में ही समझने की बुद्धि है। पांच विकार भी मनुष्यों में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं। यह है विशेष वर्ल्ड, वर्ल्ड मनुष्य के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है असुरी संप्रदाय, सत्युग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कॉन्ट्रास्ट का पता है, तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीडी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नीचे है पतित, ऊपर में है पावन, इनमें बड़ा क्लियर है। सीडी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीडी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डाले जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर यहाँ पतित दुनिया है। पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ सब पतित है पावन, एक भी हो नहीं सकता। रात दिन या क्याला चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है बाबा या चित्र बनाएं, बाबा कहते हैं बल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीडी बड़ी अच्छी बनानी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सत्युग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है। यहाँ भी बच्चे जानते हैं हम पात्रधारी एक्टर्स है, यहाँ से ट्रांसफर हो सीधा सत्युग में नहीं जाते, पहले शांतिधाम में जाना है। हाँ तुम्हारे में भी नंबर वार है जो अपने को पात्रदारी समझते हैं इस ड्रामा में। दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पात्रदारी हैं। हम लिखते भी है कि पात्रदारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते तो वहां फर्स्ट क्लास बेसमझ है। या तो भगवान वाच है, शिव भगवान वाच ब्रह्मा तन द्वारा। ज्ञान सागर वह निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां है। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसी की ग्लानी तोड़े ही करते हैं, या तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सबके चित्र तुम डाल सकते हो।
सीडी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग को त्याग ना समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। स्लोगन, सर्व शक्तियों को अपने आर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ओम शांति